फतेरी तूती, यह नया विश्व पत्र अक्टूबर 4 को जारी किया गया है। फतेरी तूती का अर्थ सभी भ्रातृत्व है। यह भाईजान पर सामाजिक मित्रता और सहानुभूति पर आधारित है। इसमें भ्रातृत्व एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए सभी विश्व को राष्ट्र को बताया गया। असीसी के फ्रांसिस के गिरजाघर में पोप फ्रांसिस ने अक्टूबर 4 पर इसमें हस्ताक्षर किया और उसके अगले दिन अक्टूबर 4 में उन्हें यह प्रकाशित किया। यह विश्व पत्र किसके लिए लिखा गया? यह विश्व पत्र सारी मानव जाति के लिए संबोधित किया। इसी वजह से यह विश्व पत्र का नाम सभी भ्रातृत्व है। इस विश्व पत्र की शैली निमंत्रण के रूप में है। पापा ने सब लोगों को शांति में और भाईजान में एक साथ होकर सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। इस विश्व पत्र में 8 पाठ हैं, 284 अनुच्छेद हैं और 43,000 शब्द हैं। इसमें 287 टिप्पणी हैं। इस विश्व पत्र में पूर्वज पोप के लिखितों को भी लिया गया है। इस परिस्थिति के तदनुसार यह लिखा है। इसी वजह से इस विश्व पत्र को ध्यानात्मक रूप से एवं प्रार्थना करते हुए पढ़ना चाहिए। यह पत्र सुसमाचार के मूल्यों को आज के अनुसार जीने की सीख भी देता है। पहले अध्याय में संत पिता ने दुनिया की प्रवृत्तियां जो अन्य लोगों को भाई और बहनों जैसे देखने में बाधा डालती है, इसके बारे में कहा है। पहला, ऐतिहासिक चेतना और समुदाय के नुकसान के बारे में कहा है। संत पिता ने हर मानव को इतिहास से सबक सीखकर उचित निर्णय लेने के लिए सारे मनुष्यों को आमंत्रित किया है। वह फेंकने की संस्कृति के बारे में कहते हैं अथवा कचरे की संस्कृति के बारे में कहते हैं। आज की दुनिया में सब लोग सब मनुष्यों को केवल लाभ के लिए उपयोग करते हैं और लाभ के बाद वह उनको एक कचरे की तरह फेंक देते हैं। फिर वह मानव अधिकारों से वंचित करने के बारे में कहते हैं। फिर वह प्रवासियों के डर के बारे में कहते हैं। वह कहते हैं कि सारे देशों को प्रवासियों के लिए दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। प्रवासियों को केवल प्रवासियों की तरह नहीं बल्कि मेहमानों की तरह आमंत्रित करना चाहिए। फिर वह आधुनिक संबंध की समस्याओं के बारे में कहते हैं। आधुनिक संबंध बाद्र प्रेम में बहुत बड़ी बाधा डालती है। फिर दीवारों की संस्कृति अथवा विभाजन की संस्कृति, इसके बारे में संत पिता सशक्त रूप से कहते हैं। आज के कई सारे देश अपने देशों को बहुत बड़े दीवारों से घेर लेकर अन्य लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। संत पिता कहते हैं कि उनको ऐसे नहीं बल्कि अपने दीवारों को विस्तृत करना चाहिए और अन्य लोगों के लिए हमेशा अपना देश खोल कर रखना चाहिए। संत पिता ने ये मुद्दे को चिंता का विषय होने के बदले केवल एक मनुष्य के या व्यक्तिवादी चिंता होने के बदले पूरे समुदाय की चिंता होने के लिए वे सशक्त रूप से हर एक व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। अध्याय 2, सड़क पर एक अजनबी। पहले अध्याय के विलाप के बाद इस अध्याय में पोप फ्रांसिस ने उन बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई के खिलाफ एक उपाय दिया है। यह उपाय है अच्छे समरिया का दृष्टांत। अच्छे समरिया के दृष्टांत का प्रतिबिंब इस अध्याय की सामग्री है। पवित्र पिता को यह दृष्टांत याद आता है। हम अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हम इस दुनिया में बहुत सारे अजनबी लोग हैं, उनके साथ भी हम मिलजुल कर और प्रेम में रहना के बारे में पोप फ्रांसिस बोल रहे हैं। हमें ये देखभाल सामूहिक परिवार व्यक्तित्व रूप में दूसरों को दिखानी चाहिए। हमारे जीवन का हर एक दिन हमारा किसी अजनबी को और हमारे पड़ोसियों को शामिल करने का
और गिरे हुए को उठाने का एक अवसर है। बहिष्कृत व्यक्तियों में मीसा के चेहरा देखना है। अंत में पवित्र पिता सबसे पूछ रहे हैं कि क्या आप घायलों की मदद करने के लिए रुकेंगे या नहीं। इसी वजह से ये अध्याय आशा का अग्रदूत है। तीसरा अध्याय, एक खुली दुनिया की परिकल्पना और विस्तार। इस अध्याय में पापा फ्रांसिस ने सन्मति के सुसमाचार 23वें अध्याय 8वें त्रिवचन में से बताया है, विश्व भारत के बुलावे को खुलापन चाहिए। इधर पोप प्रेम के अलग गुणों के बारे में बताते हैं। ये है खुद को दूसरे के लिए समर्पित करना, दूसरों को स्वीकार करना और दूसरों तक पहुंचना। इस अध्याय में पापा मानव की गरिमा के बारे में बता रहे हैं। पिता बोल रहे हैं, मानव भ्रातृत्व होने के लिए एक व्यक्ति की गरिमा को पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर एक व्यक्ति की निषिद्ध है, इसलिए जो पीड़ा सह रहे हैं, जो कमजोर है और जो गरीबी के चपट में है, उनकी सहायता करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस अध्याय का सारांश है व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान। अध्याय 4, पूरी दुनिया के लिए एक खुला दिल। इस अध्याय के प्रमुख विषय अप्रवासियों का दुर्दशा। पहला, भाई बहनों का ज्यादा ख्याल रखने का अच्छा अवसर। दूसरा, सीमा का विषय और इस विश्व पत्र का लगातार विषय और अंतरराष्ट्रीय चिंताएं। युद्ध के कारण कई प्रवासियों की तरह एक देश से दूसरे देश कई लोग प्रवास कर रहे हैं। संत पिता हमें ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए बुलाते हैं। ये स्मरण दिलाते हैं कि हमें अप्रवासन को एक भोज की तरह नहीं बल्कि फलदायक विनिमय की तरह लेना चाहिए। सभी एक महान परिवार के सदस्य हैं। पांचवा अध्याय, बेहतर राजनीति। पांचवा अध्याय में संत पिता ने यह बताया है कि राजनेताओं को कैसे होना चाहिए। संत पिता ने बोला है कि राजनेताओं को सबकी उन्नति का लक्ष्य रखते हुए काम करना चाहिए। इसी वजह से लोकप्रियता को लक्ष्य ना रखते हुए उन्हें काम करना चाहिए। ये ऐसा उपदेश संत पिता ने दिया है क्योंकि लोकप्रियता जनता एवं जनतंत्र के खिलाफ है। संत पिता ने नव उदारवाद के भी विरुद्ध बोला है। संत पिता कहते हैं कि पैसे से ज्यादा राजनेताओं को दूसरों की सेवा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। पापा फ्रांसिस ने पापा जॉन पॉल के उल्लेख करते हुए ये कहा है कि राजनेताओं को परिणामों से ज्यादा दूसरों की सेवा कार्य में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की दुनिया में एक परिवार की अवधारण को करनी चाहिए और शांति हित के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अध्याय 6, समाज में संवाद और भ्रातृत्व। इस अध्याय में पोप निर्देश दे रहे हैं कि बातचीत भ्रातृत्व की कुंजी है। ये स्वार्थपन को चंगा करता है। वास्तविक संवाद के द्वारा हम उत्तम समाज बना सकते हैं। संवाद भ्रातृत्व की संस्कृति को बढ़ावा देता है। संवाद करने के लिए करुणा और दया को होना आवश्यक है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा से पूछने की आवश्यकता है। इस अंधकारमय दुनिया में दया और करुणा को चमकाने के लिए पोप फ्रांसिस हमें आमंत्रित करते हैं। अध्याय 7, संत पिता ने इसमें विस्तार सभापत के बारे में कहा है। सच्ची शांति सच न्याय और करुणा से आती है। शांति स्थापना एक प्रक्रिया है। ईमानदार बातचीत शांति की कुंजी कहलाई जाती है। पापा ने विरोधाभासी कुंजी के रूप में युद्ध और मौत की सजा की ओर इशारा करते हुए
कहा है जो दुनिया आजकल अभ्यास कर रही है। युद्ध को शक्ति या धन के लिए और स्वयं के उद्देश्यों के लिए उत्पन्न ही किया जाना चाहिए। युद्ध को किसी भी तरह से उचित और न्यायुक्त नहीं ठहराया जा सकता। युद्ध ने आज तक किसी भी स्थिति को सुधारा नहीं है बल्कि बिगाड़ा ही है। संत पिता ने मृत्युदंड की सजा की कड़ी निंदा की है, क्योंकि किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की जान लेने की कोई भी अधिकार नहीं है। आठवां अध्याय, समाज में धर्म भ्रातृत्व प्रेम के लिए। पापा ने हर धर्म की प्रशंसा की है, क्योंकि सारे धर्म हमें परमेश्वर के अस्तित्व की याद दिलाते हैं। धर्म भ्रातृत्व को बढ़ावा देता है, धर्म मानव चेतना को उत्पन्न करने में मदद करता है। हमारी कलीसिया के बारे में संत पापा ने कहा कि हमारी कलीसिया के घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि वो मां का स्थान लेती है। पापा ने भी धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी धर्मों के सहयोग से ही हम शांति का प्रयास कर सकते हैं। संत पापा कहते हैं कि धर्म आतंकवाद का कारण नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या है। धार्मिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। प्रतिनिधित्व एक सामाजिक विश्वपत्र है जो इस तरह से उन्मूलन को बढ़ावा देता है, और हमें इसे पढ़ने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। यह पृथ्वी के सभी मानव को प्रेम, शांति और न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के लिए मानव होने का आह्वान करता है।